तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल। तो गाइस आज की वीडियो बहुत मजेदार बनने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका कंट्री कंपैरिजन। तो चलते देखते हैं वीडियो, तभी पता चल पाएगा कि कौन सी कंट्री कितना आगे है या कैसे, मतलब पूरा इसमें फुल कंपैरिजन होगा। अब ये तो देख के पता चलेगा, लेकिन आप लोग इससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस पे बातें। तो लेट्स प्ले। ओ इंडिपेंडेंस 26 मार्च 1971 और 4 फरवरी 1948। ओके फ्रॉम यूके, फ्रॉम पाकिस्तान। गवर्नमेंट पे सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। हाँ टोटल एरिया, ओ नो डाउट बांग्लादेश का ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है, लेकिन कोस्ट लाइन श्रीलंका की ज्यादा है। कैपिटल ढाका और इधर कोलंबो। उधर आगे बड़ा टफ नाम था, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड अच्छा इधर प्रेसिडेंट, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर वाला भी। हाँ मेन रिलीजन इस्लाम और बुद्धिज्म। पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मतलब 168 मिलियन है, 21 मिलियन जितनी मुंबई की है या कह सकते हैं जितनी ढाका की है। हाँ लिटरेसी रेट नो डाउट यार श्रीलंका का बहुत ज्यादा है, 92.4% मतलब तकरीबन 93% हो चुका है, 95%। पासपोर्ट है, अच्छा पासपोर्ट का भी दिखाया, अच्छा 103 102। ओ सेम मतलब श्रीलंका का पासपोर्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। HDI, वो भाई श्रीलंका का HDI काफी ज्यादा है। ये तो हाई पे पहुंच गए यार। हैप्पीनेस इंडेक्स ओके, बांग्लादेश का अच्छा है। GDP नो डाउट यार बांग्लादेश की बहुत ज्यादा है, $460 बिलियन अदर $84 बिलियन पर कैपिटा नो डाउट यार श्रीलंका का काफी ज्यादा पर कैपिटा है, ऑलमोस्ट $4,000 का, अदर $2,520 करेंसी। हाँ टका अदर श्रीलंका रुपी। एक्सपोर्ट को दिखा, अच्छा $52 बिलियन और $15 बिलियन मतलब लास्ट ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से। इंपोर्ट हो इंपोर्ट दोनों की बहुत ही ज्यादा है, बांग्लादेश की तो काफी ज्यादा है वैसे श्रीलंका की है। करप्शन इंडेक्स की, अच्छा बांग्लादेश की रैंक ज्यादा है करप्शन में 147। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो श्रीलंका आगे है, टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर वो सिटी सेंटर ढाका लोटस टावर। ओ भाई कोई कंपेरिजन ही नहीं, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, लोटस टावर की हाइट काफी ज्यादा। टूरिज्म नो डाउट यार श्रीलंका में बहुत ज्यादा आते हैं टूरिस्ट, ऑलमोस्ट 2 मिलियन। सिक्योरिटी इंडेक्स ओके है श्रीलंका का, रैंक में अच्छा है, मतलब 96। हाँ क्रिकेट क्रिकेट दोनों तरफ है, साउथ एशिया में तो क्रिकेट ही चलता है। फेमस लैंडमार्क ओके नेशनल मार्क्सिस मेमोरियल की, और इधर चलो फोर्ट्रेस
इंटरनेट यूजर नो डाउट यार बांग्लादेश में काफी ज्यादा, हालांकि परसेंटेज वाइज भी बांग्लादेश आ गया, 80% पॉपुलेशन उसकी यूज करती है इंटरनेट को। मिलिट्री 46-79 काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन पर्सनल श्रीलंका के पास ज्यादा है। एलाइज हो गए इंडिया चाइना यूएस नेपाल, इधर चाइना इंडिया यूएस पाकिस्तान, यूएसए पाकिस्तान, अच्छा उधर नेपाल है, इधर पाकिस्तान है, ये डिफरेंस है, बाकी दोनों तब सेम ही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओके, हाँ उसके पास तो बहुत ही कम बचे हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन रेट तो बहुत है यार श्रीलंका में। हाँ बंगाल टाइगर एलिफेंट एंड लाइन ओके अनऑफिशियल ओके। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया, आप लोग प्लीज बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो बड़ी कमाल की बहुत अच्छी ये वीडियो लगी, और मतलब स्टार्टिंग से दिखाया कि कौन सी कंट्री कितना आगे कम इंडिपेंडेंस हुई थी किसी की, लेकिन देखा जाए तो श्रीलंका की इंडिपेंडेंस बहुत ही पहले हो चुकी थी बांग्लादेश से, लेकिन हर चीज़ में ज़्यादातर चीज़ों में तो बांग्लादेश आगे निकल गया GDP वाइज और हर चीज़ वाइज तो काफ़ी ज़्यादा निकल गया यार। लिटरेसी रेट नो डाउट श्रीलंका का ज़्यादा है, और नो डाउट कि बांग्लादेश की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, श्रीलंका के तो बहुत ही कम है पॉपुलेशन जैसे दिखाई दे, तो जितनी ऑलमोस्ट ढाका की पॉपुलेशन है एक सिटी की, उतनी तो पूरी कंट्री का पॉपुलेशन है श्रीलंका की, और नो डाउट श्रीलंका में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा था HDI का, HDI ने श्रीलंका बांग्लादेश से क्या, मुझे लगता है साउथ एशिया में बहुत ही सबसे आगे है, इतने ज़्यादा अच्छा है इसका HDI है, वो तो हाई पे आ चुका है, और बांग्लादेश तो अभी मीडियम में ही है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है HDI का। और फिर जो टालेश स्काई स्क्रैपर दिखा था उसका तो कोई कंपेरिजन नहीं बनता, हालांकि जो सिटी सेंटर ढाका का है वो भी इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उधर के भाई लोटस टावर की भाई अलग ही लेवल की हाइट है, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं इतनी ज़्यादा उसकी हाइट है। बाकी तो बड़ा ही कमाल का कंपेरिजन लगा, कुछ चीज़ें में बांग्लादेश आगे निकल गया, कुछ चीज़ों में श्रीलंका आगे निकल गया, हालांकि फॉरेस्ट रिजर्व को भी दिखाया तो फॉरेस्ट रिजर्व नो डाउट यार श्रीलंका की तो सबको पता है आजकल बहुत ही कम है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा था इन्फ्लेशन रेट का यार, 60% है वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, हालांकि बांग्लादेश से देखा जाए तो उसका भी 7% के आसपास है, तो उसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका 60% बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी तो यार बड़ी कमाल की वीडियो लगी, बहुत अच्छी वीडियो लगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और काफ़ी लेटेस्ट वीडियो है, और मैंने फर्स्ट टाइम ये बांग्लादेश और श्रीलंका का कंपेरिजन किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।